नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। प्रस्तुत है कक्षा 8वीं की हिंदी बसंत भाग 3 से पाठ 1, जिसका नाम है ध्वनि, जो कि एक कविता है। आज हम वही पढ़ेंगे। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, साउंड, जो कि एक कवि की ध्वनि है। उस महान कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चलिए जान लेते हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। जी हाँ बच्चों, ये हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिनका हम जीवन परिचय जानने जा रहे हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का परिचय इस प्रकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि है, इनका जन्म 1897 में बसंत पंचमी के दिन, कब हुआ था? बसंत पंचमी के दिन 1897 में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक मेदिनीपुर गांव है, उसमें उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। निराला जी ने संस्कृत, बंगला, संगीत, दर्शन शास्त्र और हिंदी का गंभीर अध्ययन किया। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद के दर्शन और विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनकी रचनाएँ जैसे अनामिका, परिमल, आराधना, अर्चना, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला आदि हैं। इन्होंने 15 अक्टूबर 1961 को अपनी देह त्याग दी, यानी 15 अक्टूबर 1961 को ये हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए। चलिए अब हम जान लेते हैं कविता परिचय, यानी पाठ का संदेश। ये पाठ हमें क्या संदेश देता है उसके बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है, अपनी जो मानवीय संवेदना है उसको व्यक्त किया है। कवि के मन में अभी अभी वसंत आया है, यानी कवि का जो मन है उसमें अभी अभी वसंत, वसंत का मतलब होता है सभी ऋतुओं का राजा, जो सभी ऋतुओं का राजा है वो वसंत कहलाता है, यानी ऋतुराज। यानी ऋतुराज जो है वो मार्च अप्रैल महीने में आता है, जो बसंत पंचमी नामक त्यौहार से इसका आगमन होता है, यानी वो वहाँ से शुरू माना जाता है। और बारिश का मौसम होता है और पेड़ों पर फूल आते रहते हैं, इसलिए ये सबसे सुंदर लगने वाला मौसम है, इसलिए इसे ऋतुओं का राजा यानी बसंत कहा गया है। और कवि अपने स्वप्निल कोमल हाथ, स्वप्निल का मतलब होता है सपने से भरे हुए, अपने कोमल हाथों से अलसाई कलियों पर हाथ फेरते हुए, यानी अलसाई का मतलब होता है आलस से भरी हुई कलियों पर हाथ फेरते हुए प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है। प्रभात यानी सुबह का आने का संदेश देना चाहता है, तो वह उन्हें उन कलियों को जगाना चाहता है। वो जो सोई हुई कलियाँ है आलस में जगी सोई हुई है, उनको वह जगाना चाहता है और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को अमृत से सींचकर हरा भरा करना चाहता है। यानी इस कविता का सार, इस कविता का मतलब ये है, इसमें संदेश है कि जो कवि है वो अपने जीवन में आने वाली स्वतंत्रता के लिए तत्पर है और वो अभी थका नहीं है, वो पूर्ण रूप से तैयार है। चलिए अब हम देख लेते हैं पाठ की पंक्तियाँ। हमारी पाठ की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से है। हमारे पाठ का नाम है ध्वनि। ध्वनि के बारे में मैंने बताया पहले। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, यानी साउंड। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ध्वनि पाठ लिखते हुए पहली पंक्तियाँ लिखते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ आत्मविश्वास से भरपूर कवि अत्यंत विश्वास के साथ में जो सुबह के समय में नींद से अलसाई हुई कलियाँ हैं उनको जगाने का प्रयास करता है और कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा, मतलब उन कलियों को कहता है कि कलियों तुम्हारा अभी अंत नहीं होगा, तुम्हारे जो वन में है अभी अभी मृदुल वसंत आया है, अभी अभी तो आया है वसंत मेरे मन में मृदुल वसंत, यानी कवि के मन में अभी मृदुल वसंत का आगमन हुआ है। मृदुल वसंत का मतलब होता है कोमल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत।
मतलब अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। यहाँ इस पंक्ति में मृदुल वसंत आया है। मृदुल मृदुल का मतलब होता है कोमल, और वसंत वसंत मतलब सभी ऋतुओं का राजा, जिसके बारे में मैंने बताया था वही। चलिए आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। चलिए अब इसका अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि इन पंक्तियों में कहा गया है कि जो सुंदर सुबह है उसकी बेला से जो नींद में अलसे हुई कलियां है उनको कवि जगाने का प्रयास कर रहा है, उनको जगाने का प्रयत्न कर रहा है। तो वो जगाते हुए कहता है कि वसंत ऋतु के आने से जो पेड़ पौधे हैं वो हरे भरे, पेड़ पौधों के जो हरे हरे पत्ते हैं वो, और नई नई डालियां हैं और कलियां जो है उनके आ जाने के कारण उनकी कोमलता बढ़ गई है। पेड़ पौधों में नई नई हरी पत्तियां और डालियां कलियां आने के कारण उनकी कोमलता सुंदरता बढ़ गई है। अर्थात जो पत्ते हैं और कलियां हैं उनके टहनियों के अभाव में जो पेड़ है जितने कोमल लग रहे हैं, अब तो जो ये पेड़ है वो कोमल शरीर वाले हो गए हैं। यानी अब आगे की पंक्तियाँ है, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी रात जो निंद्रित कलियाँ हैं, निंद्रित कलियाँ यानी जो रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल हुई है, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमारी आँखें खुलती नहीं हैं और नींद से बोझिल लगते हैं हम, इसी प्रकार ये कलियाँ भी रात की सोने के कारण बोझिल लग रही है, यानी उनको वहाँ पर निंद्रित कहा गया है। तो ये निंद्रित कलियाँ जो है उन पर कवि अपने जो स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथ है उनको फेरना चाहता है और उनको ऐसा करके जगाना चाहता है, और ऐसा करके वह उनको जगाते हुए एक मनभावन प्रभात यानी कि मनभावन जो सुबह है उसका संदेश देना चाहता है कि सभी के मन में एक नई सुबह का संचार हो। चलिए आगे कुछ पंक्तियाँ और देख लेते हैं। अगली पंक्तियाँ है हमारी, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत, सहर्ष सींच लूँगा दूंगा मैं। यहाँ इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ कवि इन पंक्तियों के माध्यम से जो कलियाँ है, जो बोझिल है नींद से, उनकी निंद्रा को तोड़ते हुए और उनको जगाने का प्रयास करता है और अपने जो जीवन रूपी अमृत है उसको सींच करके उनको हरा भरा करने का वर्णन करता है। कवि है वो कहता है कि ये जो कवि अपनी कल्पनाशीलता से के कारण कार्य को वर्णन करते हुए कहता है कि वो जो कलियाँ हैं नींद से बोझिल है, जो नींद में डूबी हुई कलियाँ हैं उन और तंद्रा से उत्पन्न, तंद्रा मतलब आलस्य के कारण उत्पन्न, उनकी उत्पन्न आलस्य में डूबी रहना चाहती है और वो उठना नहीं चाहती है, वो उनके आलस्य में डूबने की लालसा को छीन लेना चाहता है। कवि उनकी लालसा को यानी छीन लेना चाहता है, उनके आलस्य को भगा देना चाहता है, अर्थात जो अलसायु कलियाँ हैं उनको जगा कर और खुशी खुशी उन्हें अपने जीवन के अमृत से सींच कर उनको हरा भरा करना चाहता है, और जिससे कि कलिया फूल बन सके और वो अच्छे से अच्छे सुंदर और महक बिखेर सके। चलिए आगे की पंक्तियाँ देख लेते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। जी इस प्रकार कवि जो वो कहता है कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, यानी कि जो हरी भरी रंगीन कलियाँ है उनको वो फूलों में बदलने की बोल रहा है, कि जो हरी भरी रंगीन कलियाँ है उनको मैं फूलों के फूल बनने का दरवाज़ा दिखाना चाहता हूँ, यानी कि उनको द्वार दिखा दूँगा, और जहाँ उनके जीवन के जो सीमित संसार फैलाव है और उसको मैं दिखा दूँगा उनको कि ये यहाँ पर इतना ही बड़ा नहीं है, आगे तुम्हारा असीमित संसार फैला हुआ है, यानी कि तुमको आगे जा कर के फूल बनना है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से वो हमारे
जो नौजवान है उनको संदेश देना चाहता है कि उनको अब देश की सुरक्षा करने का समय आ गया है और उनको अब आगे बढ़ना है। इससे उनके जीवन अब फूलों को कहता है कि इससे उनके जीवन का उपवन भी फूलों की महक से भर उठेगा। और ये जो दूसरी पंक्ति है, हे मेरे वे जहाँ अनंत अभी ना होगा मेरा अंत, यानी जो मेरा जहान है, पूरा संसार है, वो असीमित है और इसके उसके जीवन में उपवन भी, जीवन का जो उपवन है उसमें फूलों की महक से वो भर उठेगा, यानी उसमें सुंदरता आ जाएगी, यानी वो स्वतंत्र हो जाएगा। इस तरह उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि ये कहना चाहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा और वो फूलों को भी कहता है कि फूलों तुम्हारा अंत अभी नहीं होगा। और उसी प्रकार वो हमारे युवाओं को और सैनिकों को संदेश देता है कि उनका अंत अभी होने वाला नहीं है, उनको अभी देश सुरक्षा में बहुत कुछ करना है। जी हाँ, अब पाठ समाप्त हो चुका है और हम जान लेते हैं कि पाठ की सहायता से जो कवि है, कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। वो कि जो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, वो कहते हैं कि यहाँ पर कविता के दो मतलब निकलते हैं। एक तो वो उनके स्वयं के बारे में कहते हैं और दूसरा संदेश हमारे जो नौजवान हैं उनको देना चाहते हैं कि उनको हार कर नहीं बैठना है और जैसे कि उनको लगना चाहिए कि उनका अंत अभी नहीं हुआ है, उनको बहुत कुछ संसार में करना है, उसी प्रकार वो फूलों के माध्यम से कहना चाहते हैं और स्वयं को भी वो छोटा नहीं बताते हैं और कहते हैं कि मैं अभी थका हारा हूँ नहीं हूँ और अभी मुझे बहुत जान है और मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, अभी मेरा अंत नहीं होगा, मुझे बहुत कुछ करना है और मेरे मन में तो अभी अभी नई उमंग जागी है, नया कुछ करने की उमंग जागी है। और उसी प्रकार वो युवाओं को संदेश भी देते हैं कि आप लोग भी थकार कर नहीं बैठना और आपका जो जीवन अभी स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तो आपको अभी बहुत कुछ जीवन में करना है। और इसके माध्यम से वो अपने आलस्य को भगाने की बात करते हैं। तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने जीवन पथ पर हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार कवि को अपने जीवन में विश्वास है, उसी प्रकार हमें भी अपने विश्वास पर अटल रहना चाहिए, उस पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, कभी टूटना नहीं चाहिए। चलिए अंत में हम बसंत शब्द को एक बार फिर से समझ लेते हैं। वैसे बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि हमारे देश भारत में साल भर में लगभग 6 ऋतु होती है और 6 ऋतु का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है और इन सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु जो है वो अत्यंत विचित्र और सबसे निराली ऋतु है, इसलिए इसको ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। इस ऋतु का जो आगमन है वो मार्च अप्रैल के महीने में होता है, जो भारतीय पंचांग के अनुसार यह वसंत पंचमी नामक त्यौहार से शुरू होता है। और इस त्यौहार में वातावरण में बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ जाते हैं और चारों ओर खिले खिले फूल हो जाते हैं और वातावरण भी मादकता से भरा रहता है, कोयल भी मस्ती भरा गान गाती है, खेतों में चारों तरफ बिखरे सरसों के फूल भी उपवन को महका देते हैं और खिले खिले रंगीन फूल जो होते हैं वो ऋतु जो है इस ऋतु को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और सभी इन्हीं विशेषताओं के कारण ही ऋतुराज कहना सर्वथा उचित होगा। और इसी प्रकार ये पाठ समाप्त होता है और अब हम इसके प्रश्नोत्तर अगले भाग में देखेंगे और इसकी अच्छे से इसको पढ़ना है और इसको समझना है। इसके बाद में हम अंतिम भाग में इसके प्रश्न देखेंगे अगले भाग में। जब तक के लिए हमें इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है और हमारे जीवन में भी बदलाव लाना है और हमें कभी थक हार करके नहीं बैठना है। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।